श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ माता जी लगाए सबकी जय, प्रणाम। बिंद में सिंध समाय रे साधो, बिंद में सिंध समाया, बिंद में सिंध समाए रे साधो, बिंद में सिंध समाया। त्रिगुण स्वरूप खोजत भए बिस्मया, परालखन जाए लखाया। त्रिगुण स्वरूप खोजत भए बिस्मया, पर अलखन जाए लखाया। वेद अगम कहे उलटे पीछे, नेत नेत कर गाया। बिंद में सिंध समाए रे साधो, बिंद में सिंध समाया, बिंद में सिंध समाए रे साधो, बिंद में सिंध समाया। प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साहब जी, कुछ क्वेश्चन पूछूं अद्विज के कुंड के? हेलो हाँ जी, पूछिए। है ना। सबसे पहला क्वेश्चन, हाँ जी, अद्विज के कुंड के चबूतरे की लंबाई चौड़ाई कितनी आई है? तैतीस 33,333। हाँ, 33,333। और बंगले की चबूतरे की किस दिशा में अद्विज का कुंड आया है? पूरब पूर्व दिशा दिशा में। हाँ जी, में। ये देखो, ये पुखराज, पुखराज के पूरब में बंगला जी, और बंगला के पूरब में अद्विज का कुंड। अद्विज के कुंड का चबूतरा गोल है या चौरस? चौरस। अद्विज के कुंड की पांचवी भुवन तक किनार पर क्या शोभा आई है? पांचवी भुवन तक। पांचवी भाव पे अद्विज के कुंड की बड़ो वन पे आए, पांचवी भुवन तक, बड़ो वन के और वो पांचवी भौम तक, बड़ो वन के, पांचवी भौम के से ऊपर मधुबन के। बड़ो वन के वृक्ष पांच आ रहे आई हैं, और फील पाई की चार आई हैं, फिर बड़ो वन की पांच आई हाँ हैं। जी। अद्विज के कुंड के चबूतरे के मध्य में कितने बगीचे आए हैं? 27 की 27 आ रहे। हाँ जी। इन बगीचों के चारों कोनों में आए चबच्चे में क्या विशेषता आई है? चबच्चे में क्या शोभा आई थी? ये जल के स्तून जो 496 भूम तक गए हैं। अब अद्विज के कुंड के चबूतरे पर आए प्रथम पांच भूमिका में देखें तो ठीक मध्य में कितने हास का चबूतरा आया है? तीन हाँ ठीक है, तीन हास, तीन हास का लंबा चौड़ा यानी 1200 कोस का लंबा चौड़ा। ये देखो, ये तीन हास का लंबा चौड़ा चबूतरा आया है। अद्विज के कुंड की छठी भूम की विशेषता, 784 पानी के स्तून मध्य के ताल के अंदर आए हैं जो भूम दर भूम 496 भूम तक गए हैं, या मध्य में एक हांस का पानी का स्तून खुलकर बगीचों के स्थान पर ताल आ जाता है जिसके मध्य में चबूतरा आया है जो भूम दर भूम 496 भूम तक गया है। किनार पर मधुवन के वृक्ष, तीन फील पाए, महलों की हारे, फिर पांच मधुवन के वृक्ष, और चौथा ऑप्शन है, सभी ठीक है। सभी ठीक है। हाँ छठी भूमि में आते हैं तो पहले पांच हारे मधुवन के वृक्षों की,
फीलपायों की वो लाते, मधुवन के वृक्ष, और यहाँ पर स्तून खुल के यहाँ पर एक ताल हो गया है। पांच भूम तक जो फीलपायों की शोभा थी, छठी भूम में वहां क्या आया? फीलपायों के सिर पे क्या आएगा? फीलपायों की मोलाते, ठीक है, हाँ मोलाते आएंगे, फीलपायों की मोलाते। यस, यस। किस भूम पर अद्बीज के कुंड में 16 धाराओं में जल गिरता है? हाँ जी, हाँ जी, किस भूम पर? 496 भूम पर, 980 भूम से गिरना शुरू होता है। हाँ, 980 भूम से गिरना शुरू होता है और 496 भूम में गिरता है, क्योंकि ताल 496 भूम पर ही रह गया। अद्बीज के कुंड में पूर्व दिशा में ढलान आई है? नहीं आई, नहीं आई। अद्बीज की पश्चिम के ढलान में खुली नहरों की शोभा किस भूम पर आई है? 980। ठीक है। अद्बीज के कुंड के 496 भूम ऊपर हैं, इन ताल को घेरकर क्या शोभा आ रही है? ये पहले क्या शोभा आई, ये वाली रॉक बड़ोवन की हारे, हाँ, और ये खास महल, बड़ोवन की हारे हैं, खास महल की 3 हारे, बड़ोवन की 5 हारे, 5 हारे, 4 भूम तक गए हैं, ये मध्य में ताल है, 5 हारे 4 भूम तक गए हैं जो, हाँ जी, खास महल है ये, खास महल, ये रे खास महल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो दहलान आई है, इनमें 980 भूम से लेकर ऊपर 1000 भूम तक कितने कोस के छज्जे निकलते हैं? 1600। अद्बीज की कुंड की चांदनी पर बैठे हैं, यानी ये जो बगीचे आए हैं और ये जो खास मोल आए हैं, इनकी एक जो चांदनी हो जाती है, इन चांदनी पर बैठे हैं। इन चांदनी से यू नीचे देखेंगे तो 4 भूम नीचे अद्बीज का कुंड है। यहां जब बैठे हैं तो अपने अद्बीज के कुंड के पश्चिम तरफ अपने को ऊंचा तन जल गिरता हुआ नजर आएगा। जल की कितनी तेज गर्जना होगी उस वक्त? आप श्री राजी श्यामा जी सखिया यहाँ पर बैठे हैं, तो जब इतनी ऊंचाई से जल गिरेगा तो जल की गर्जना, और उस वक्त पानी कितना उड़ेगा कि एकदम से जैसे धुआं धुआं सा हर जगह अपने को पानी की बूंदियां, 500 भूम ऊपर से लगभग पानी गिर रहा है, तो कितना पानी का प्रवाह होगा? 16 धाराएं बड़ी बड़ी, तो किस तरह से वहां पर कितनी महीन बूंदियां उठेंगी उस वक्त, तो क्या सुहावना वो समा होगा? यहाँ बैठे हैं खास मोलों की चांदनी पर, ये वनों की मखमली चांदनी पर बैठे हैं, और सामने जल की धाराएं गिर रही हैं, वो आपको बराबर भिगो रही हैं। अद्बीज का कुंड क्लियर ना आप तो? क्लियर है ना, आगे चले डपो चपो पर। ये अद्बीज के कुंड का निशान, तरहटी का, अद्बीज के कुंड की तरहटी। अद्बीज के कुंड के पूर्व में अद्बीज का कुंड था लंबा चौड़ा 33,333 कोस का, इसका तीसरा हिस्सा यानी 11,100 में ये ढपो चबूतरा आकर बिल्कुल एक रूप मिलान कर रहा है। अद्बीज के कुंड की तरहटी और ढपो चबूतरा की तरहटी, एक दीवाल है देखो बीच में, एक दीवाल की शोभा है। अद्बीज के कुंड के 3 हिस्से करें, एक हिस्सा दाएं रखें, एक बाएं रखें, बीच का जो हिस्सा उसके साथ जाके ढपो चबूतरा की तरहटी लग गई। अब अद्बीज के कुंड की तरहटी में खुद को महसूस करें तो ये बीच के हिस्से में अपने को सुंदर द्वार मिल जाएंगे, बहुत सुंदर दरवाजे, सीढ़ी वाली रोंस पर आएंगे, आगे दरवाजा मिलेगा, क्योंकि घेर कर ये नीले रंग में सीढ़ी वाली रोंस आई है ना। हाँ जी, ये चारों तरफ सीढ़ियां लगी हुई, सीढ़ियां देखो ना, ये घेर कर, ये तो हर तरहटी में आती है ना घेर कर। हाँ जी, हाँ जी, स्थान पर सीढ़ियां नहीं है, जिन स्थान पर मिलान हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सीढ़ी वाली रोंस तो आएगी ना, घेर कर 400 कोस की रोंस, इन रोंस पे हैं, और सामने अपने को बहुत सुंदर दरवाजे नजर आ रहे हैं, ठीक मध्य हिस्से में, 3 हिस्से हुए ना अद्वीज के कुंड के, ठीक मध्य हिस्से में। इन दरवाजों को पार करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे ढपो चबूतरा की तरहटी पे। ये तो तरहटी से आने का रास्ता हुआ, और महावन की जमीन पे है तो पहले आएंगे पुखराजी रोंस पर।
पुखराजी रोज की भीती तरफ अपने को भोम पर ऊंची दीवाल मिलेगी। उन दीवाल में हांस हांस भी गुर्जों की शोभा। इन गुर्जों के दोनों तरफ से सीढ़ियां चढ़ी हैं चबूतरे के ऊपर आने के लिए, और दो गुर्जों के मध्य ये देखो दरवाजा मिल जाएगा। इन दरवाजे से भोमबर की सीढ़ियां उतरी हैं। भोमबर की सीढ़ियां अति सुंदर, ये सीढ़ियां सीढ़ियों की विशालता, बेहद ही विशाल सीढ़ियां उतरकर सीढ़ी वाली रोंस पर आ गए। इन सीढ़ी वाली रोंस के आगे आ गई 100 कोस की, यहाँ पर 100 कोस की शोभाई है, 100 कोस की रोंस, मोहलातों की रोंस। उसके आगे 3 हारे मोहलाते घेर कर 3 हारे मोहलातों की, मोहलातों की सुंदर शोभा जैसे देखते आ रहे हैं कि चारों दिशाओं में बहुत सुंदर दरवाजे मिलेंगे। दरवाजों के दोनों ओर चबूतरे, चबूतरे की चारों कोनों पर थम मेहराबी चबूतरों पर सुंदर बैठ के भीतर जाते हैं तो घेर कर मंदिर, एक थम की हर दो गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, विशाल चबूतरा, उनपे सुंदर बैठ के, और दो मोलातों के बीच में 2 थम्बों की हर 3 गली, आमने सामने जहाँ दरवाजे मिलते हैं वहां पर भी सुंदर बैठ के। इस तरह से हवेलियों की शोभा देखते हुए, मोलातों की शोभा देखते हुए मोहलाते पार करी तो 100 कोस की मोहलातों की रोंस। इससे 3 सीढ़ी नीचे बगीचों की रोंस आ गई, यहाँ भी घेर कर 3 हार बगीचों की आई है। सुंदर बगीचों की शोभा, चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चबच्चे, और ठीक मध्य फील पायों की शोभा आई है। ठीक मध्य फील पाए आए हैं 2 भोमोचे। 3 हारे ये बगीचे पार की तो पुनः बगीचों की रोंस, इससे 3 सीढ़ी ऊंची ये पाल आ गई, पीले रंग में पाल की शोभा। इन पाल से 3 सीढ़ी नीचे ताल रोंस आ गई, 400 कोस की तो ये पाल आई है और 100 कोस की ताल रोंस आई है, और ताल रोंस से 3 सीढ़ी नीचे जल में डूबा जल चबूतरा 50 कोस का आया है, और पूरा पश्चिम नहरें आई हैं, इनके ऊपर एक छत हो जाती है, यही ढपो चबूतरा की सुंदर शोभा है। ये ढपो चबूतरा का निशान, ऊपर एक छत हो गई है सुंदर बैठ के इन पर, और घेर कर ये जो बड़ो वन के वृक्ष आए हैं पुखराजी रोंस के वृक्ष, ये 2 भोम तक छतरी मंडल चबूतरे की किनार पर करते हैं। चबूतरे का देखो एक हिस्सा तो अदबीज के कुंड से मिला हुआ है, पिछला पश्चिम हिस्सा तो पूरा अदबीज के कुंड से मिला हुआ है, उत्तर दक्षिण पुखराजी रोंस के पेड़ पूरी दिशा में करेंगे, और लेकिन पूर्व दिशा में मध्य तीसरे हिस्से में तो मूलकुंड मिल गया, जो बाकी एक एक हिस्सा रह गया वहां पर बड़ो वन के वृक्ष इन चबूतरे पर छाया डालेंगे, घेर कर जो बड़ो वन के वृक्ष आए हैं। और ऊपर एक छत, ये देखो महाराज जी ने निशान दे रखा है, ऊपर एक छत, इसमें बेशुमार रंग बिरंगी गिलम सुंदर बैठकों की शोभा। खुद को महसूस करते हैं अदबीज के कुंड की तहटी में, और मुख पूर्व की ओर करते हैं क्योंकि चलना है ढपो चबूतरा में। तो इन तहटी की पूर्व दीवार की शोभा जब देखेंगे तो मध्य हिस्से में तो अपने को द्वार नजर आएंगे, क्योंकि इन मध्य हिस्से में ढपो चबूतरा का एक रूप मिलान हुआ है। अदबीज के कुंड की तहटी के 3 हिस्से किए, अपने पास ये 33,300 कोस की जगह है। मध्य 11,100 में ढपो चबूतरा, और दाएं बाएं 11,100 में अपने को सीढ़ियां उतरती नजर आएंगी। मध्य 11,100 के हिस्से में सुंदर द्वार नजर आएंगे, ये द्वारों की शोभा। इन द्वार को पार करेंगे तो खुद को देखेंगे ढपो चबूतरा की तहटी में। सबसे पहले घेर कर सीढ़ी वाली रोंस से आगे आते हैं तो 100 कोस में मोहलातों की रोंस, आगे 3 हारे मोहलातों की सुंदर शोभा, विशाल मोहलाते हैं, एक एक हांस में एक मोहलात, 400 कोस की लंबी चौड़ी त्रिकोणीय सहित चारों दिशाओं में बहुत सुंदर दरवाजे होंगे। दरवाजों के दोनों ओर चबूतरे सुंदर बैठ के घेर कर मोहलातों की शोभा, एक थम की हर 2 गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, तो सुंदर बादशाही शोभा इन मोहलातों की। इनको पार किया पुनः मोहलातों की रोंस आ गई, यहाँ से 3 सीढ़ी उतरकर बगीचे की रोंस पर आए,
सो को उसकी बगीचे की रोज यहाँ पर सुंदर बैठ के इन बैठकों में बैठते हैं और सामने शोभा देखते हैं तो बेशुमार बगीचों की शोभा, नहरी चबच्चों की शोभा, बगीचों के ठीक मध्य फील पायों की शोभा, तीन हारे बगीचों की आई हैं। इन बगीचों की शोभा देखे तो मानो फूलबाग, नूरबाग, अनवन यहाँ पर खिले हैं। कहीं धूप खिली है तो कहीं फूलों के वृक्ष है, कहीं मेवों के वृक्ष है। नहरी चबच्चों की सुंदर शोभा, एक एक चबच्चे से उठते सुंदर फुहारे, इन शोभा को देखते हुए तीन हारे इन बगीचों की पार की, पुनः बगीचों की रोस। इन रोस से तीन सीढ़ी चढ़कर ताल की पाल पर आ गए। घेर कर ताल की पाल आई है 400 कोस की विशाल, इन पर सुंदर बैठ के सजी है। यहाँ से तीन सीढ़ी उतरकर ताल की लेवल की जो रोस है, ताल रोस पर आ गए। यहाँ से तीन सीढ़ी उतरकर जल चबूतरे की शोभा आई है, पूर्व पश्चिम नहरों की शोभा आई है। तो भूम ऊपर एक छत और वही छत पर सुंदर बैठकों की शोभा आ गई। इनकी जो चांदनी आई भूम पर ऊंचा जो चबूतरा आया, उन चबूतरे पर सुंदर गिलम सिंहासन कुर्सियों की शोभा। और देखेंगे उत्तर दिशा में बड़ो वन के यानी पुखराजी जो पेड़ लग रहे हैं, उत्तर दक्षिण दोनों दिशाओं में पुखराजी रोंस की जो पेड़ लग रही है वो भूम दर भूम दो भूमि चबूतरे के कुछ हिस्से तक अपनी छाया करेंगे। और इधर देखें यहाँ एक हिस्से में तो मिलान हो गया मूल कुंड का मध्य हिस्से में, तो दाएं बाएं के जो हिस्से हैं वहां से भी बड़ो वन के वृक्ष इन चबूतरे पर छाया करेंगे। पश्चिम दिशा में एक रूप मिलान हो गया, अद्भिज के कुंड के चबूतरे से दौड़ते हुए ढपो चबूतरा के ढपो चबूतरा का जो चबूतरा है उस पे आ जाए। बहुत सुंदर, चबूतरे से चबूतरे का मिलान हो गया, अद्भिज के कुंड से अगला कदम अपना इन ढपो चबूतरे पर होगा। कितने भूम का आया? एक ही भूम है ये, शोभा नहीं है, बस करटी की शोभा है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुख क्यों कहूं पहाड़ पुखराज के, और कहां कहूं मोहले तले। सुख क्यों कहूं पहाड़ पुखराज के, और कहां कहूं मोहले तले। ऊपर चढ़े मोहल चढ़ते, मोहल तीसरे दिन उपले। सुख क्यों कहूं पहाड़ पुखराज के, और कहां कहूं मोहल तले। ऊपर चढ़े मोहल चढ़ते, मोहल तीसरे दिन उपले। सुख क्यों कहूं पहाड़ पुखराज के, गुरज दो के बीच में गिरत चादरे गुरज दो के बीच में गिरत चादरे चार उधर बॉर्डर है, चार चार हर एक में, चार चार हर एक में उतरत सोले धार। सुख क्यों कहूं पहाड़ पुखराज के, और कहां कहूं मोहल तले। ऊपर छोड़े मोहल चढ़ते, मोहल तीसरे दिन उपले। सुख क्यों कहूं पहाड़ पुखराज के, कब सुख
ले से भांग लो जित नहरे चले चक्राव कब सुख ले से भांग लो जित नहरे चले चक्राव बीच बीच बगीचे चह बचे बीच बीच बगीचे चह बचे कई जल उतरे तले तलाव सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के और कहा को मोहल तले ऊपर चोड़े मोहल चढ़े ते मोहल तीसरे दिन उपले सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के जब जीमी मोहल हाथ के और सब ठोरो दीदार सब जीमी मोहल हाथ के और सब ठोरो दीदार सब अलेखे अखंड सब अलेखे अखंड कहे महामत अर्श अपार सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के और कहाँ कहूँ मोहल तले ऊपर चौड़े मोहल चढ़ते मोहल तीसरे दिन उपले सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के सुख क्यों।